संघर्ष करना पड़ता है। ये आजादी के 70 साल के बाद में कोई अच्छी बात ऐसा मैं भी नहीं मानता और आप लोग भी नहीं मानते होंगे, लेकिन एक सिस्टम चला आया है, एक परंपरा चली आई है, उस सिस्टम के माध्यम से उस परंपरा के मुताबिक हम सबको ये संघर्ष करके ही कुछ ना कुछ पाने की व्यवस्था बनी हुई है। मैं मानता हूँ कि ये भी उसका एक अंग है और मैं अपने आप को भाग्यवान इसलिए मानता हूँ कि डॉक्टर्स जब मुझे मिलने के लिए मेरे बोरीवली के ऑफिस में आया था तो मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत मैंने किया, फिर बोरीवली में एक छोटा सा दुरुस्त गई है उसका आप लोगों ने आयोजन किया था, तो वहाँ पर भी मैं जाकर घंटे भर आप लोगों के साथ में बातचीत की और आपकी सारी समस्याओं को जानने का मैंने प्रयास किया और सरकार की जो भूमिका है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और मैं अपने आपको भाग्यवान इसलिए भी मानता हूँ कि महाराष्ट्र एक ऐसी सरकार है जिन्होंने ये फ्रीज फोर्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब ये पार्लियामेंट में जब ये डिस्कशन के लिए आया तो मेरे समझ में आता नहीं कि कांग्रेस के लोगों ने या तो विपक्ष के लोगों ने मिलकर इसको समय न बिगाड़ते हुए सरकार ने जब ये अमल में लाने का तय किया तो उसको समर्थन क्यों नहीं आया, ये बात समझ में आती नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने जब डॉक्टरों से पूछा अभी तो विधानसभा के चुनाव के पहले कांग्रेस के ही सरकार ने इसको बिल बनाकर पेश किया था विधानसभा में और ये विधानसभा में मंजूर होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया और ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इसको और बढ़ावा देने के लिए जब हम इतना बड़ा कदम उठाकर अब ये महाराष्ट्र की सरकार ने किया, कल गुजरात करेगी, परसों राजस्थान के लोग करेंगे, फिर मध्य प्रदेश के लोग करेंगे और ऐसा पार्ट पार्ट में न करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका बनाकर पूरे देश में अगर एक साथ में अमल में आता है तो मैं मानता हूँ कि डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा सम्मान हो सकता है और जो देश में आपके माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिलने वाला है उनके लिए हम एक व्यवस्था करते हैं, ऐसे ऐसा इसका एक बात इसमें से बन सकती है। अभी हमारे देश में जो परंपरागत हजारों साल से जो परंपरा चली आई है, बड़ी जाति छोटी जाति गरीब पैसे वाले डॉक्टरों में भी फिर वही कोई MBBS है कोई सर्जन है तो उसके ऊपर उसके नीचे ये सब में भी एक जो डिवीजन होते जा रहा है ये मैं मानता हूँ कि भारत देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना एक सम्मान होता है, सर्जन होगा तो उसको कितना पढ़ाई करना पड़ता है, उसको किस प्रकार की डिग्री लेनी पड़ती है, उसका तनख्वाह कितना है, इसका एक व्यवस्था बना हुआ है। MBBS डॉक्टर होंगे तो उन्होंने कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा करना है, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, नियम बना हुआ है। इसमें हर व्यक्ति अपने अपने दायरे में रहकर ही तो काम करने वाला है। अब ये किसी ने सोचने की क्या हो सकता है कि ये अगर हमारे क्षेत्र में आ जाएंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा या हमारी इनकम कम हो जाएगी या तो हमको जो सम्मान मिलता है वो कम होगा, ये किसी ने सोचने की आवश्यकता क्या, ये मेरे समझ में आती नहीं। इतना बड़ा देश है, इतनी लोकसंख्या है, इतनी तरह की बीमारियां नए नए रोज देखने के लिए सुनने के लिए मिलता है और ऐसे समय पर अगर इन सारे समस्याओं पर मात हमको करना है तो डॉक्टरों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है और यह आवश्यकता को तो आप ही लोग पूरा करेंगे और यह आवश्यकता को पूरा करने के लिए कायदा बनाने की आवश्यकता है और जब सरकार कायदा बना रही है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग इसको क्यों विरोध करते हैं ये समझ में नहीं आता है। मैं मानता हूँ कि सही लोकशाही का अगर हमको परिचय देना है तो विपक्ष के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने विरोध किया है इसको, उनको आपने यहाँ पर बुलाकर उनकी बात को रखने के लिए कहना चाहिए। जो IMA के लोग विरोध करते हैं उनको आपने चिट्ठी नहीं दिया होगा, आज क्या दे दीजिए, उनको कल बुलाइए, उनको कहिए भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, आपका कौन सा सम्मान कम होने वाला है, आपका इनकम कौन सा कम होने वाला है, एक बार खुलकर बातचीत करेंगे ना मीडिया के माध्यम से, जरा देश भर के लोगों के साथ भी जाने दो। और ये सारा जो पहले से मैं सामान्य व्यक्ति के नाते जब मेडिकल के क्षेत्र को देखता हूँ या तो फिर कोई भी क्षेत्र हो,
ये बड़े लोगों ने सारा सिस्टम को हाथ में रखने का एक मनसूबा जो बनाया है, इसको मुझे लगता है कि हमको तोड़ना है आने वाले दिनों में। और मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, ये सारे जो मोनोपोली क्रिएट करने वाले लोग हैं, वो मोनोपोली को हमको आने वाले दिनों में तोड़ना है। अब आप देखेंगे कि एक मेडिकल कॉलेज बनाना हो तो पहले का नियम था, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाना हो ये नियम कायदा कैसे बनता है और पहले के लोगों ने कैसा बनाया। मेरे पास अगर 100 एकड़ का जमीन है तो मैं ये कर सकता हूँ, मेडिकल कॉलेज खोल सकता हूँ या तो IMS का जो दर्जा है उसको प्राप्त करता हूँ। तो मेरी जमीन, मेरी स्टेटस, मेरी कैपेसिटी को देखकर कायदा बनाने का एक परंपरा चलता था। और फिर आपका एक 100 एकड़ की जमीन का अगर आवश्यकता है तो आपके पास अगर 90 एकड़ है तो भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कायदा बनाया है स्पेसिफिक गोपाल शेट्टी के लिए, तो गोपाल शेट्टी ही इसका लाभ ले सकता है। इस प्रकार का एक सिस्टम डेवलप किया। अब आपने देखा होगा 50 साल के पहले भी जिनके पास 100 एकड़ जमीन है या तो उससे ज्यादा है और उसको लाइसेंस दे दिया, आज उसने 100 एकड़ जमीन का तो उपयोग किया ही नहीं है, उसमें से आधा से ज्यादा जगह तो आज भी खाली पड़ी है। अब मुंबई जैसे शहर में अगर एम्स का दर्जा हमको देना है तो मुंबई शहर में तो 100 एकड़ जमीन ही नहीं है। तो मुंबई देश का सबसे बड़ा शहर होने के बाद भी, कैपिटल सिटी होने के बाद भी, अगर हम मुंबई शहर को एम्स का दर्जा 100 एकड़ जमीन नहीं है जिसके लिए हम ले नहीं पाएंगे तो ये कैसे चलेगा। तो फिर बदलते हुए स्थिति में हमको कायदे में बदलाव करना पड़ेगा। और ये कायदे में सारा बदलाव हुआ है, एक जमाने में एक FSI हुआ करता था, अब मुंबई शहर में तो 4 FSI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर आ गया। तो इसका मतलब यह होता है कि आपके पास 25 एकड़ जगह होगा तो आपको FSI को 100 एकड़ जितना अभी नियम में बदलाव आ गया है तो आप ये काम कर सकते हो। अब ये सारा करने के लिए भी साहब आपको 10-10 साल 20-20 साल कोर्ट में जाना पड़ता है, पार्लियामेंट में, विधानसभा में कायदा बनाना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि ये सारा सरासर गलत है। वी शुड बी ऑन दी फास्ट ट्रैक। जो बदले हुए हालात है, बदले हुए नियम है, बदली हुई सोच है, नई टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, इसका लाभ लेते हुए एक बड़े पैमाने पर सारे सिस्टम को बदलाव करते हुए जल्द से जल्द लोगों को सुविधा कैसे मिले इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विरोध बहुत हो रहा है, लोग और मीडिया के लोग भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि कामकाज तो इन दिनों कुछ बता नहीं, 2GD का घोटाले के बारे में कोई स्टोरी लेने के लिए बचा नहीं है, कोल ब्लॉक का कोई घोटाला होता नहीं उसका कोई स्टोरी होता नहीं है, सरकार के कोई भी मंत्रालय में गड़बड़ घोटाला होता नहीं उसका कोई स्टोरी बनता नहीं है। तो जो स्टोरी मिल गया उसको लेकर कुछ मीडिया के लोग भी चलाते रहते हैं और विपक्ष के लोगों को तो इन दिनों में काम कुछ बचा ही नहीं, तो वो भी इस प्रकार के चलो कुछ ना कुछ टाइम पास करो और ये सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन मोदी जी सारे इस प्रकार के हर्डल क्रिएट करने वालों को बिल्कुल उनका उनको कोई समर्थन नहीं आता, कोई उनको बढ़ावा देने के मनस्थिति में नहीं है। मोदी जी जो सोचते हैं वो करेंगे, क्योंकि लोकशाही वाले देश में किसी ने अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं कि आप कोई भी कायदा बनाओ तो 100% लोग आपके साथ में आएंगे, ये तो कभी बनेगा नहीं। हमारे छोटे घर परिवार में 10-12 लोगों का भी अगर परिवार है तो 10 लोगों का भी कोई बात पर एक मत बनता नहीं है। तो लोकशाही वाले इतने बड़े देश में सारे लोगों का एक मत होगा ये मैं भी मानता नहीं और किसी ने मानने की आवश्यकता नहीं। इसमें सरकार की जो सोच है बहुत स्पष्ट है, सामान्य लोगों को ऊपर लाना है, जो बहुत ऊपर गए हैं उनको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा और जो नीचे है उनको बीच में लाएंगे तो ये देश का संतुलन बनेगा। ये हमारी बहुत स्पष्ट सोच है इसके बारे में। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये अभी कमेटी के माध्यम से होते हुए अभी बजट सेशन भी शुरू हो गया, अब 9 तारीख को पार्लियामेंट समाप्त होने के बाद 5 मार्च से फिर प्रारंभ होगा। हो सका तो अगले पार्लियामेंट के 1 महीने का जो सेशन चलेगा उसमें हम इसको लाकर मान्यता देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर बड़ा भी होता है तो ये होगा पक्का, इसके बारे में किसी ने सोचने की कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि आप समय से पहले जागे हो, तो कभी कभी होता क्या है ये तो सरकार ने बिल लाया है ये तो पास होने वाला है तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो इसमें समय ज्यादा बिगड़ेगा आपका। आप लोग समय से ज्यादा पहले जा गए हो इसलिए जल्दी होगा। और मैं आपको अगर मेरे लैंग्वेज में बताओ तो कोई भी चीज़ आप जब पाते हो तो उसमें अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका एक मजा और होता है। सरकार ने सब कुछ कर दिया तो
तो ये आपको याद दिलाएगी कि हम कलकत्ता से दिल्ली गए थे, हम मुंबई से दिल्ली गए थे, हम गुजरात से दिल्ली गए थे, जो जो भी डॉक्टर्स जो जो राज्य से आए हैं, ये बिल जिस दिन पास होकर इम्प्लीमेंट होगा उस दिन आप सबका भी छाती छप्पन इंच का होने वाला है। इसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है। और इससे दूसरा लाभ ये होगा, ये कमेटी में अभी जो डिस्कशन करने वाले मेरे जैसे एमपी लोग हैं उनको भी थोड़ा डर होगा कि डॉक्टर लोग जागे, ये पहले वाला अभी चलेगा नहीं, हम पार्लियामेंट में या तो कमेटी में जिस प्रकार के भी मस्ती करेंगे तो चलेगा, ऐसा भी उनका जो सोच है उसमें बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि डॉक्टर जैसे पेशे में रहने वाले लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर रामलीला मैदान में इस प्रकार का समर्थन रैली करना, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो इस प्रकार की बहुत सारी रैलियाँ करते हैं, हम रैली कर करके दिल्ली पहुँचे हैं, लेकिन हमारा रैली जो होता है अलग होता है। जिसको समझता है वो भी आता है, जिसको समझ भी नहीं आता वो भी आता है, जिसको लागू होता है वो आता है, जिसको लागू नहीं भी होता है वो भी आता है। एक आदमी को आना है तो वो चार लोग उनको पकड़ लेते तो वो चार भी आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। लेकिन ये आप लोग जो आए हो सब डिग्री होल्डर तो हो, सब समझदार लोग हो, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसको बनाए रखें और आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा बदलाव भी लाने, जो ये विपक्ष के एमपी है उनको भी जाकर आप मिलिए, मेमोरेंडम दीजिए, प्रेम से काम करें, हमको कोई झगड़ा किसी से करना नहीं, उनको भी आप दीजिए। और उनको देने के बाद में मैं मानता हूँ कि ये फिर एक बार पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से होते हुए राज्यसभा में पास होकर ये बिल बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होकर वो अमल में आए और लोगों को उसका लाभ मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था हम करेंगे, जिसका मैं आपको यहाँ पर आश्वस्त देने के लिए आया। देखिए अभी मोदी जी की सरकार आप लोगों का सम्मान किस तरह से करती है ये भी कभी कभी आप लोगों को समझ नहीं आता, नहीं आता बहुत लोगों को समझ। अब ये जो बजट में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने का जो सरकार ने बजट में प्रोविजन किया, यानी 10 करोड़ लोग एक घर में अगर 5 लोग भी है तो 50 करोड़ लोगों को ये लाभ मिलेगा। डॉक्टर तो हो गए, दवाइयाँ बंदी भी शुरू हो गई, जनरल मेडिसिन और आयुष में भी बहुत सारा बदलाव हम लोगों ने लाया, लेकिन साहब आज की तारीख में भी सामान्य व्यक्ति गरीब आदमी के पास पैसे न होने की वजह से वो बीमार अगर होता है तो भी वो डॉक्टर के पास जाता नहीं, वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है तो आपने डिग्री पाने के बाद में आपके पास कोई पेशेंट नहीं आएगा, कोई महंगा डॉक्टर होगा, कोई सस्ता डॉक्टर होगा, कोई मिडिल क्लास वाला डॉक्टर होगा, ठीक है वो अपने अपने हिसाब से चार्ज लेंगे पेशेंट के पास से। लेकिन पेशेंट के पास पैसा नहीं है इसलिए वो आपके पास आएगा ही नहीं, तो आपने डिग्री लेकर क्या फायदा किया, इसलिए सरकार ने ये बड़ी सोच ली। अभी कभी कभी लोग कहते हैं कि इतने सारे लोगों को मोदी जी जॉब कहाँ से देंगे, चुनाव में बताते हैं ये होगा क्या, मीडिया के लोग ये सवाल हमको पूछते हैं इतने सारे लोगों को जॉब कहाँ से आएगा, तो आप जॉब इसी तरह से कहा ना, सरकार ने बजट प्रोविजन करके इतना बड़ा एक डिक्लेरेशन कर दिया, ऐलान कर दिया कि हम आने वाले दिनों में 10 करोड़ लोगों को साल में 5 लाख रुपए का मेडिकल केयर के लिए मदद करेंगे, तो डॉक्टरों को काम मिलेगा, पेशेंट को सुविधा मिलेगी, मैन्युफैक्चरर जो दवाइयाँ बनाते हैं उनका दवा ज़्यादा कटेगा वहाँ पर उनको जॉब मिलेगा, जो दुकान लेकर बैठे हैं दवा बेचने के लिए उनको काम मिलेगा। जरा आप सोचिए इसमें से कितना मल्टीपल हो जाता है, एक निर्णय सरकार जब लेती है तो उसमें से कितना मल्टीपल होता है, इसमें सारा जॉब तो अपने देश के लोगों को मिलेगा ना, या कोई फॉरन के लोग आएंगे यहाँ पर लोगों को इलाज करने के लिए तो अपने देश के लोगों को भी जॉब मिलेगा, तो इस प्रकार से मल्टीपल होते जाएगा। अब समझो गत 3 साल में पहले मोदी साहब ने 5 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन देने की बात की, उसमें से 3.5 करोड़ लोगों को हमने दे दिया, आवश्यकता बहुत सारा है तो इस बजट में हम लोगों ने इसको 8 करोड़ तक ले गया। अब आप सोचिए ये 8 करोड़ जो गैस कंपनी है उनको काम मिलेगा, गैस भरने वालों को काम मिलेगा, बाटला बनाने वाले हैं उनको काम मिलेगा, स्टोव जो होता है सेगड़ी जिसको हम सामान्य लोगों की भाषा में कहते हैं वो सेगड़ी बनाने वालों को काम मिलेगा, ट्रांसपोर्टिंग यहाँ से वहाँ होने वालों को काम मिलेगा, कितने सारे डीलर को काम मिलेगा, वो नीचे गाड़ी से ऊपर घर तक गैस का बाटला पहुँचाने के लिए जो जो लोग काम करते हैं लेबर का काम करते हैं उनको काम मिलेगा, मल्टीपल होते जा रहा है कितने लोगों को काम मिलेगा इसमें से, तो काम तो साहब इस तरह से मिलेगा ना, सरकार का तो काम यही है ना कि सरकार का काम
एक शो एकर के जगह पे फैक्ट्री खोल दिया और उसको काम दे दिया, वो भी एक काम है, वो काम पर इंडस्ट्रियल लोग करते हैं। तो सरकार इस प्रकार से सारे कामों का जनरेशन करते हैं। हम लोगों ने जब सरकार 2014 में हाथ में ली तो देश में 18.5 गाँव में बिजली पहुंची नहीं थी, 18.5 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी। अब ये 18.5 में से 15,000 गाँव में हमने बिजली पहुंचा दी। अब जिसका क्षमता था उन्होंने बिजली का कनेक्शन ले लिया। अब ये 15,000 गाँव में बिजली पहुंचने के बाद में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास गाँव में बिजली आ गई लेकिन उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो अपने घर में बिजली लेते नहीं। तो अब सरकार ने इस बजट में ऐलान किया कि हम आने वाले दिनों में 4 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। अब ये 4 लोगों के घर में बिजली मिले पहुंचेगा तो वायरमैन को काम मिलेगा, वायर मैन्युफैक्चर को काम मिलेगा, बल्ब बनाने वाले को काम मिलेगा, ट्यूबलाइट बनाने वाले को काम मिलेगा। तो कितने सारे लोगों को एक निर्णय से काम मिलता है। तो सरकार का काम तो यही ना करना। तो इस तरह से सरकार एक बदलाव बहुत बड़ा लाने का प्रयास कर रही है। बहुत सारे बुद्धिमान लोग कहते हैं बजट में कुछ नहीं, ये बजट में कुछ नहीं, और विपक्ष के लोग कहते हैं कि 2019 का चुनावी बजट है। अगर चुनावी बजट है तो बजट अच्छा है, चुनावी बजट अगर है ये तो बजट अच्छा है। तो अगर बजट अच्छा है तो फिर बजट में कुछ नहीं ये भाषा कैसे लोग करते हैं। यानी इस प्रकार का सब क्षेत्र में गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो इसको मैं मानता हूँ कि आप जैसे वेल टू डू एजुकेटेड लोगों ने भी आने वाले दिनों में अपने ही दायरे में न रहते हुए सरकार भी चलनी चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, सामान्य लोगों को सारी सुविधा मिलना चाहिए। इसमें मैं ये आपको आह्वान करने के लिए आऊँगा, आप सब बीजेपी के हो जाइए, आप बीजेपी के मत हो जाइए लेकिन देश के तो हो जाइए। देश के तो है ना, देश के तो आप हैं, देश के तो हो जाइए। तो ये देश को आगे बढ़ाने में हम सबका कॉन्ट्रीब्यूशन, हम सबका योगदान होना चाहिए। इस मानसिकता में आप सबने भी आना चाहिए, आप आए हो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ।